Dear students, we have been talking about the very significant issue as we are discussing a very important subject, which is not only should be meant for the students who are who are taking up some uh, bachelor's or master's programs or, or 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 further other programs, but this is a sort of subject which should be taught. Uh, awareness on this subject should be given to everyone. So, that population dynamics and the characteristics of population and the features of population and the population studies, especially for the countries like Pakistan, which is facing a great problem because of the high population growth. As we are talking about the causes of population, you, you better understand, and it is an understood phenomena that in din day or in a population will be hota. दोनों सूरतों में अगर हम बात करें अगर पॉपुलेशन में इजाफा हमें नज़र आता है एफी सी आर राइज इन द पॉपुलेशन या हमें पॉपुलेशन में कमी नज़र आता है दे आर डेफिनेटली सम डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ जो हैं वो वहाँ पर रोनमा हो सकती हैं जो किसी भी सर्टन जगह की पॉपुलेशन में इजाफे का बाइस बन सकती हैं मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस जो लेक्चर्स में मैंने बात भी की कि किस तरह से दुनिया की आबादी स्टडी चलती रही बहुत अरसे तक जो मैंने मैप्स के ज़रिए और डायग्राम्स के जरिए मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि हमारी एक लाइन जो थी वो सीधी चलती गई बहुत आ, मुश्किल से जो पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन को हम नोटिस नहीं किया गया दुनिया में कई अरसे तक फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब पॉपुलेशन के राइज़ को नोटिस किया गया और उसके बाद एक सर्टेन वक्त के अंदर जैसे जैसे सोसाइटीज़ जो थी वो ग्रो करती गई वैसे वैसे पॉपुलेशन्स में भी इजाफा नज़र आया हाउ एवर ये इजाफा आज तक जारी है इसमें थोड़ी सी वेरिएशनस जो हैं वो हमें ज़रूर नज़र आएंगी दुनिया के कुछ ममालिक्टिल फेसिंग दी द प्रॉब ऑफ रन द पॉपुलेशन एंड दैट प्रॉब्लम ऑफ राइज इन द पॉपुलेशन हैज़ इन्वाइटेड मैनी अदर इशूज़ उस मुल्क के लिए वो चैलेंज बन चुके हैं जिन जिन ममालिक के अंदर आबादी से तेज़ी में इजाफा हो रहा है इसकी एक्सट्रीम हमें नज़र आएगी पॉपुलेशन में कमी दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो आबादी की की कमी की तरफ चल रहे हैं वहाँ पे जो शरह पैदाइश है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत लो हद तक गिर चुका है लेकिन ऐसे ममालिक बहुत कम हैं अमूमी तौर पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल हमारी आबादी में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है यहाँ पे चूँकि हम बात कर रहे हैं उन चीदा चीदा उन सिग्निफिकेंट कॉजेज़ की

तो पैदाइश के पहले दिन के लिए एक जिसे बीसीजी का टीका कहा जाता है और पाँच साल तक हिफाजती टीकों का एक कोर्स दुनिया भर में अब बच्चों को लगाया जाता है डिड इट मेक श्योर इस चीज ने किस चीज़ को आ, हमें किस चीज की श्योरिटी थी जब इसकी तरफ दुनिया रागिब है कि पाँच साल के बच्चे तक बच्चे को खास तौर पर एक वैक्सीन का कोर्स लगाया जाता है इससे इजाफा हुआ हमारी ओवरऑल जो हमारी एवरेज लाइफ है हमारे बच्चों की उसके अंदर एंड दे ग्रू इन टू अटीन एंड दैन इन टू अंग पीपल जब ये वैक्सीन नहीं थी तो मैंने आपको पहले भी बताया तो हमारी जो शर अम थी ज़्यादा शर अमवात बच्चों के अंदर पाई जाती थी इस वजह से आबादियों में तेज़ी से इजाफा मुमकिन नज़र नहीं आता था विद दी हेल्प ऑफ दी इन्वेंशन इन दाइंस एंड टेक्नोलॉजीज और द डिवलपमेंट ऑफ़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद दी Uh, vaccine vaccination is one of the most powerful means to save life and to increase the level of health of mankind however the impact of immunization against the most threatening infectious agents on life expectancy has been the object of a still open debate the impact of vaccine against the most threatening infection infectious agents on the life expectancy इट हैज बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टिल ओपन डिबेट कि किस हद तक ये लाइफ को बढ़ाने की सबा बनती है लेकिन एक बड़ी हद तक साइंटिफिक इस बात पे मुतफिक है खास तौर पे बच्चों को जो वैक्सीन दी जाती है पाँच साल की एज का कोर्स करा दिया जाता है बच्चों के अंदर एक दिफाई सिस्टम जो है वो डेवलप होता है ऐसी बहुत सी बीमारियां जो आज के दौर में आम समझी जाती हैं जैसा कि इसमें हेपेटाइटिस है जैसा कि इसमें टाइफाइड है जैसा कि इसके अंदर इन्फ्लेंजा की वैक्सीन होती है पोलियो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसकी वैक्सीन की जाती है उसके ड्रॉप्स की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में उससे बच्चों की आ, हम लोग लाइफ को एक अच्छा टर्न दे सकते हैं उनको हम हेल्दी वही बच्चे बड़े होकर एक हेल्दी माशरे का हिस्सा बनते हैं अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें अगर हम डेटा लें दु, दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल डाटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड स्केंडेवियन कंट्रीज़ It showed that the widespread use of a smallpox vaccinating, vaccination started at the beginning of the 19th, 19th century resulted in a marked and sustained decline not only of smallpox-related diseases but also of the over, overall crude death rate and it contributed heavily, greatly to the unprecedented growth of the European population. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कभी आप लोग ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए जिसमें माजी की दास्तानें बताई जाती हैं सफाई हस्ती पूरी पूरी बस्तियां मिट जाया करती थी सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स की बीमारी के साथ अगर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ जाए आप ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं बादशाहों की लाइफ बिजनेस दिखाई गई है तो बहुत से बादशाह बहुत से किंगडम्स अपने वारिस खो दिया करते थे क्योंकि ये वबा की सूरत में स्मॉल पॉक्स आया करती थी और बच्चों की जिंदगियां जो थी वो इसमें ख़त्म हो जाया करती थी बड़ी सारी सारी आबादियाँ जो थी वो इसके अंदर ख़त्म हो जाती थी ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी इससे बड़े आ, उसके जो आ, एक असरात कह लीजिए उन तक भी जो है वो पहुँचते थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम के कंट्रीज के अंदर उन्नीसवीं सदी के आगाज में अगर सिर्फ हम इस वैक्सीन की अफादियत की बात करें इस वैक्सीन के यूज़ की बात करें तो इसने एक बड़ा रोल प्ले किया स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी ख़त्म हुई

एट द टाइम एट द सेम टाइम दो मिलियन में आपको एक और फिगर बता रही हूँ ये एक रिसर्च से मैंने फ़िगर लिया जो एस्टिमेटली दुनिया में जिनकी डेथ भी हो रही है यकिन ये वो बच्चे हैं जिनका ताल्लुक़ सब सहारन कंट्रीज और दुनिया के गरीब के साथ है जहाँ पे वैक्सीन की सहूलियात उस तरह से अवेलेबल नहीं है टेटनस मीजल्स और इस तरह की जो मेन वैक्सीस हैं इन्होंने लाइफ के ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया अगर हम बांग्लादेश हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अगर हम इस परस्पेक्टिव में बात करें डेटा फ्रॉम द बांग्लादेश इट शोज बंग्लादेश फुल इम्प्लीमेंटेशन ई पी आई वैक्सीन हैज द पोटेंशियल ऑफ रिड्यूसिंग मोर्टैलिटी बाईट ऑलमोस्ट वन वन हाफ इन चिल्ड्रन एज वन टू फोर किस तरह से देखिए जबरदस्त तरीके से बच्चों की मोर्टैलिटी जो है वो कम कर सकते हैं किसी भी सिंगल वैक्सीन की दरिया के इवन साथ रिसेंट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मच मोर्टेलिटी इन कंट्री रिसेंट प्रोग्रेस जो डेवलपमेंट हुई है फर्दर सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ दस डिजीज इन दैक्सरी एंड कंसिडरबल इंक्रीज इन दॉपुलेशन ग्लोबली इसके साथ साथ चीजों को तो फोरकास्ट किया जा सकता है कि हम इंफेक्शस डिजीजे से रिडक्शन ऑफ डेथ कम हो सकती है जैसा कि मैं कोरोना वैक्सीन की आपको मिसाल दूँ कि देखिए ये एक वबा दुनिया भर में आई और एक साल के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी तादाद मौत की तरफ भी गई और ऐसा तो जंगों में भी बहरहाल नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद एक साल के अंदर मुखले के अंदर जो ममालिकर अमवात है बहुत ज़्यादा रही लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी हैव बिंग एबल दुनिया भर में डिफरेंट रिसर्चेस के थ्रू कोरोना वैक्सीन इज न अवेलेबल जिसकी वजह से इस वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है